नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मुलाकात आपके कराते हैं, तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और काफ़ी समय से हम लोग देखते हैं कि मुंबई में जो भी एक्टर्स और फिल्मों में काम करते हैं उनसे मिलने की एक जिज्ञासा बनी रहती है, तो मैं चाहूँगा कि आज आपकी भी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि मेरे साथ हैं आज बी शांतनु सर, जो एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और काफ़ी समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं। लगभग उनको 10-20 साल हो गए हैं टोटल, और इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पहले थिएटर में काम करते थे, थिएटर के साथ जो व्यक्ति फिल्मों में आता है तो लंबा रेस का घोड़ा माना जाता है उन्हें। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वैरायटी ऑफ एक्टिंग उन्होंने की है, तो आप सभी की तरफ से बी शांतनु सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पास बुलाया हूं आप सबका। अरे सर, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, मेरा तो दिल हिलने लग गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी आवाज़ के जरिए रूबरू होने का एक मौका मिला है हम सभी को आपसे, और आवाज़ एक माध्यम है और आवाज़ के आप धनी भी हैं, क्योंकि आपको बिग बॉस में हमने सुना है और भी कई फिल्मों में जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं या फिर शॉर्ट फिल्म्स होते हैं उसमें बैकग्राउंड आवाज़ आपकी होती हैं, तो एक क्या कहते हैं फिल्मों में एक जान आ जाती है, तो वो काम आप करते हैं हमें अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में जरूर बताएंगे। रमेश जी, मेरी भी जर्नी बिल्कुल साधारण सी है जैसे किसी भी नॉन फिल्मी कलाकार की होती है। मैं गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे फादर एडवोकेट थे, हम लोग 5 भाई 2 बहनें हैं। पांचों भाई अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, बहनें अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं। हाँ, विचित्र बात बस इतनी है कि हमारे खानदान में, जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे रिश्तेदार जो थे वो कहा करते थे कि हमारे घर, हमारे खानदान में कोई कलाकार नाचने गाने वाला पैदा नहीं हुआ। सो मुझे समझाते भी थे क्यों कुल का नाम कटवा रहे हो, नाक कटवा रहे हो तुम, अभी रह गया है कि नाचोगे गाओगे नौटंकी करोगे। तो मालूम नहीं, शायद जब जहाँ से आवाज़ आती है और जब मन बन जाता है कि इसी दिशा में काम करना है, तो फिर शायद बाहरी आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य जब आपको जहाँ ले जाना चाहता है तो स्वयं अपना रास्ता बना लेता है। सही बात, सही। लाख विरोध हो, विरोध हमारे परिवार में भी हुआ, चूंकि बड़ा ही सामान्य सा परिवार था और जैसे बाकी परिवार होते हैं, फिल्मों को और नाटकों को या मनोरंजन की दुनिया को बहुत अच्छा नहीं मानता। अच्छा नहीं मानते, आज भी एक वर्ग है जो अच्छा नहीं मानता है। तो विरोध हुआ हमारा, हमारी किताबों की दुकान थी, हम पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, एमकॉम कर रहे थे। तो वहां से ये जर्नी हमारे शहर में कुछ नाट्य संस्थाएं थी, चूंकि हमारी किताबों की दुकान थी तो नाटक खरीदने आते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हमारे भाई साहब का नाम है श्याम सुंदर। तो वो कहते थे, श्याम भाई अपने भाई को भेज दो ना रिहर्सल में। अच्छा, अच्छा, इनसे भी एक्टिंग करवाएंगे। तो हम बोले भाई हमसे एक्टिंग करवाओगे तो हाथ पांव सूज जाते थे, अपने ऐसे कुछ लेना देना नहीं था। तो खैर, एक सुरेंद्र श्रीवास्तव जी थे, मुझे याद आ रहा है अभी आपके स्टूडियो में बैठ करके। वो सुरेंद्र वर्मा का एक नाटक था द्रौपदी, वो मंचित कर रहे थे उसमें। तो उसमें दो भाला पकड़ रोलों के लिए उनको एक कलाकार की जरूरत थी जिस जो उसे महाराज की जय बोल सकता था। अच्छा। तो इतना ही बोलना था हमको कि जब भी महाराज आए तो महाराज की जय हो, और तो ये होता था। तो हम गए जाते थे उसके लिए भी रिहर्सल में, तो उसमें भी फंबल करते थे और उसमें भी कभी कभी कोई देख लेता था, झांक लेता था तो लाइन भूल जाते थे, जैसे ही आई कांटेक्ट होता था तो भूल जाते। तो हमारी जर्नी इस तरीके से शुरुआत हुई है। तो हमको इनिशियल जर्नी तो इसी तरह की होती है। हाँ, लेकिन आज देखिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि आपकी आवाज सुने और आपकी आवाज उन फिल्मों में आए या उस बैकग्राउंड आवाज आपकी हो, लोग चाहते हैं। तो फर्क हो गया ना, पूरा एक चेंज आ गया, जैसे दिन और रात वाली बात हो गई। मैं इसको सबसे बड़ी बात कहूंगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है और
संघर्ष बहुत जरूरी होता है। हाँ, रमेश संघर्ष के बिना नहीं, संघर्ष हमने भी किया है, कर भी रहे हैं, जीवन स्वयं में एक संघर्ष है। सो संघर्ष बड़ा निखारता है, लोग संघर्ष से भागते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से संघर्ष बहुत निखारता है आपको, और संघर्ष जो देता है आपको, वो फिर आपको कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता, छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है ये जीवन की गली पगडंडियां क्या है। आपको कोई भटका नहीं सकता आपकी विधा में, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है, आपको मालूम है कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, कैसे इसको निखारा जा सकता है। तो खैर एक समय आया कि जब विरोध कम हुआ, और मेरे पिताजी को जब उन्होंने पहली मरतबा मुझे रंगमंच पे मेरा नाम होते हुए देखा, हालांकि मुझे उस टाइम भी जब मैं गोरखपुर में थिएटर करने लग गया था, थोड़ी अच्छी भूमिकाएं मिलने लग गई थी, तो मुझे लगता था कि कुछ टेक्निकल कुछ होना चाहिए, कुछ अधूरा सा है, तो मैं इसके लिए नाट्य विद्यालय चला गया प्रशिक्षण के लिए। वहां से भी रिजेक्शन हुआ, शुरू के दो साल उन्होंने चयन किया नहीं, क्योंकि वहां पर भी कॉम्पिटिशन होता है, तीसरे साल जाकर के चयन हुआ। तो फिर जब मैं वहाँ आखिरी वर्ष में था अपनी पढ़ाई के, तो हमारे यहाँ शहर में एक जुबली इंटर कॉलेज है, वहाँ पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था, और मुख्यमंत्री उसमें जो थे मुख्य अतिथि थे। तो उसमें मुझे याद है कहाँ से विरोध कम हुआ माता पिता का, स्पेशली पिता का, माँ तो बड़ी नरम सी होती है, पिता थोड़े से सख्त है हमारे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेर नगरी, उसका मंचन, तो श्याम भाई साहब को कहा गया हमारे कि भाई आपका भाई तो ड्रामा व्रामा की ट्रेनिंग ले रहा है, हम उसी से निर्देशित करवाते हैं, हमारे शहर का बच्चा है, आपका भाई है, और वो मन लगा के काम करेगा। खैर भाई साहब ने हमसे कहा, हम आए, हमने उसका निर्देशन किया वहीं के विद्यार्थियों को लेकर के, और जब मुझे पुरस्कृत किया गया मुख्यमंत्री के हाथों, और मेरे पिताजी को स्पेशल बुलाया गया था उसके लिए, तब पिताजी को ये देख के लगा कि मुख्यमंत्री जी से सम्मानित कर रहा है, तो मेरा बेटा कुछ लगता है सही लाइन में चला गया है, कोई मतलब नाक वाक कटाने वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की, तो वहां से विरोध जो है कम हो गया, मतलब उसका मीटर 10% पे आ गया, 90% कम हो गया, क्योंकि कहते ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो एक प्रमाण था वो, शायद मेहनत थी मेरी, और ऊपर से मैं सबसे ऊपर बात तो यही कहता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद। तो इस तरीके से मैं, मेरा इस पदार्पण हुआ, और संघर्ष जो मुंबई का था, मुंबई आने के बाद प्रशिक्षण के बाद जैसे मुंबई शहर खाने की व्यवस्था करना, जब आपका कोई संपर्क नहीं होता है किसी फिल्मी खानदान के नहीं होते, तो आप तो बिल्कुल टाइम ही बहुत मुंबई जैसे शहर में कोई आपको इंटरटेन नहीं करता, लेकिन आप अगर जब कोई चीज ठान लेते हैं तो रास्ता निकल ही आता है, ये भी बात है। हाँ। समस्याएं सबको देता है ऊपर वाला, समाधान ढूंढने के लिए मस्तिष्क भी देता है, और मेहनत करने के लिए ताकत भी देता है। कहता है मैंने देखो समस्या दी है, समाधान भी दिया है, लेकिन समाधान ढूंढना पड़ जाता है, दोनों चीजें, तो उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए आपको प्रयास, तो प्रयास किया गया, और जो भी ईश्वर ने मेरे झोली में प्रसाद डाला वो बस वो प्रसाद लेकर के आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से आपका थिएटर से जुड़ना हुआ, और फिर किस तरह से फिल्मों से जुड़ना हुआ, और शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर फैमिली की जो बातें हैं, परिवार की बातें हैं, और कई बार हमारे जैसे आपने कहा कि माँ बहुत नरम होती है, कोमल हृदय की होती है, लेकिन पिता सख्त होता है, पिता का यही प्यार होता है कि भाई वो कहीं ना कहीं मेरा बेटा मेरा नाम करे और कहीं भटक न जाए मेरे होते हुए, तो उस वजह से उनकी शक्ति जो है वो भी सही है। लेकिन जब आपने कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री से जो है उनको खास करके सम्मान मिला, तो वो सम्मान ने उनका पूरा जो है जो ऐसा मन के अंदर जो मुठाव था, जो भी था, वो सब खत्म हो गया, और फिर एक बार फिर से एक न्यू जर्नी शुरू हो गई, एक जो है प्यार वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। परिवार का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे करियर में, उनका प्यार जब मिलना शुरू हो जाता है तो हम दुगने शक्ति के साथ काम करते हैं, और वही चीज मेरे ख्याल से अपने आपके साथ हुआ है। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। मैं चाहूंगा कि बी शांतनु सर, आपको फिल्मी दुनिया में कोई पुराना गीत जो आपका मन पसंदीदा, वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक मन पसंद गीत अभी जो याद आ रहा है इस जगह पर, तो वो एक लाइन जरूर बनवा दीजिए। मैं बहुत बेसुरा हूँ रमेश जी। नहीं चलेगा, लेकिन आपके चाहते हैं सुनने वाले रेडियो बंद कर दें? नहीं, वो सुनेंगे।
पूरा गाना मुझसे गवाइए मत, मैं मुझसे बुलवा लीजिए, मैं एक गाना सिर्फ खाली एक मुकड़ा या एक लाइन क्या कहते हैं गाने का वो जरूर सुनाइए मुझे याददाश्त पे थोड़ा जोर डालना पड़ रहा है कि मैं क्या गाऊं क्या गुनगाऊं, हालांकि बहुत सारे गीत हैं। कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, क्या बात है? कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। धन्यवाद। का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा किशोरदा का गीत आपने सुना, और ये गाना जो है डी शांतनु सर का बहुत ही करीबी गाना है और उन्हें अभी याद आ गया तो उन्होंने गा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद फिर से उनका एक बार बहुत बहुत दिन से स्वागत, और मैं चाहूंगा कि सर आपने बिग बॉस के लिए वॉइस दिया था, थोड़ा सा उसकी एक डायलॉग डिलीवरी जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए, आपकी आवाज की पहचान कराइए। देखिए आवाज वाला मसला जो है ना, ये 10 साल पहले का है। सही बात है। और जब आप किसी की आवाज बना के निकालते हैं तो ये एक टोनलिटी है, वो उसको बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ और चूंकि 10 साल 11 साल पुरानी बात हो गई है तो मुझे बिल्कुल वो आवाज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कर रहे थे तो प्रैक्टिस में तो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। जी जी। बिग बॉस चाहते हैं रमेश जी कन्फेशन रूम में हैं। रमेश जी आपके सामने टेबल पे एक चिट्ठी रखी हुई है, इस चिट्ठी को गौर से पढ़ें और घर के अंदर जाकर सभी घर वालों को ये चिट्ठी पढ़कर जोर से पढ़ पढ़ करके उनको सुनाएं ताकि उनको समझ में आ जाए, और उनकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी आपसी आपका मशवरा हो, विचार विमर्श करें आप, इसकी सूचना बिग बॉस को दें। अब आप जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को बिग बॉस का फील आ गया होगा, और यही आवाज थी 10 साल पहले की बात उन्होंने कही, और फिर भी उनके अंदाज में वो है, उस आवाज में वो पकड़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और फिल्मों में जैसे कि बहुत जगह आप अलग अलग कैरेक्टर निभाते हैं, कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी बैडमैन बन जाते हैं, कभी गुड मैन बन जाते हैं, तो कभी एक नया कैरेक्टर लेके भी आप लोगों के बीच में आते हैं, तो ये सब जो अलग अलग कैरेक्टर करते हैं तो उसमें कैसे अपने आप को आप रेडी कर लेते हैं, कैसे तैयार कर लेते हैं? चरित्र की विधिवत जानकारी हासिल करके। अच्छा अच्छा। मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो सकारात्मक किरदार हो या नकारात्मक किरदार हो, जी जी, उसके दिमाग तक पहुंचने की यात्रा होती है, जिसके लिए काफी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एक मोटा किरदार का दिमाग अगर आपके पकड़ में आ गया, अगर आप बदमाश हैं तो जाहिर सी बात है वो नकारात्मक। सही बात है। तो उड़ना पड़ता है, बेसिकली उड़ने के बाद भी तो कहीं तो शांतनु जीवित रहता होगा उस किरदार में, नहीं तो फिर तो बंदूक लेकर के सबको मारी डालेगा। लेकिन अभिनय को जीवंत बनाने के लिए उसकी दिमागी यात्रा बहुत जरूरी है, और जितनी ही यात्रा आप ईमानदारी से कर पाते हैं उस किरदार की, उतना ही सुंदर किरदार आप निभा पाते हैं मुझे लगता है। तो ये अब उस वो यात्रा कैसे होगी, उसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं, तरीके हैं, अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोसेस हैं, वो हर कलाकार का अपना तरीका होता है अपने उस किरदार को निभाने का। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात भी अगर हमारे विद्यार्थी मित्र या हमारे युवा साथी सुन रहे हैं
तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेनिंग का जो पार्ट है फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में आप जाते हैं और सीखने के लिए जाते हैं, ये छोटी सी बात जैसे कि अभी भी शांतनु सर ने बताया कि आपको दिमाग से उन चीजों को रिसीव करना होता है। आपके अगर कोई भी कैरेक्टर है आप उसको दिमाग में रख लेते हैं और उसको करना शुरू कर देते हो तो नेचुरली आपके पास वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपको दिया गया स्क्रिप्ट में। तो ऐसे ही कर करके अलग अलग कैरेक्टर आप शांतनु सर को भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, और देखा भी होगा आपने। और रही से एक फिल्म आई थी उसमें उन्होंने अपना किरदार निभाया था जो पॉपुलर हिट रही, और अभी अलग अलग फिल्मों में बारूद हाउस करके हैं उसमें भी उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी उनको मैंने जब उनसे मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि इतने फिल्में मुझे याद नहीं कि कौन सा फिल्म मैं आपको बताऊं। तो चलिए आप जाते जाते मैं कहूंगा कि एक दुनिया है जहां पर आपने एक्टिंग की है और एक कॉमन जो पब्लिक आम जनता जहां पर जी रही है जहां पर रह रही है उन चीजों को आपने देखा, अंधेरी में रह रहे हैं आप, तो अब वो सारा माहौल छोड़ के आप यहाँ पर एक नए चीज नई जगह पे आ गए हैं जहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का एक आध्यात्मिक संस्थान है और इसमें 2 दिन से आप लगातार यहाँ पर इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माउंट आबू वगैरह आपने घूमा और आज शांतिवन में हमारे इस रेडियो स्टूडियो में हैं और काफी अच्छी आपकी वार्तालाप हुई, तो काफी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमसे सुना, हमारे साथ चर्चा में आपसे निकली। तो मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें देखकर आपको क्या लग रहा है आज? सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था यहाँ पे कदम रखते कि सफेद कपड़े आप लोग पहनते हैं। जी 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 जी, तो सफेद कपड़ा एक अलग तरह की फील देता है। सकारात्मकता, स्वच्छता, सहजता, सुंदरता, शांति शांति बहुत सारे विचार आते हैं। जी जी जी, और सारे सुंदर विचार आते हैं। और जब आप इनके और करीब जाते हैं, जब इनसे आप मंत्रणा करते हैं, इनसे आप साक्षात्कार करते हैं तो वो शब्द नहीं रह जाते, वो निखर करके बाहर निकलते हैं। आप समझ रहे जी? फाइव सही बात। और स्वच्छता, अगेन मैं स्वच्छता के बारे में कहूंगा, वो भी केवल बाहरी नहीं वो भीतरी भी है। इसीलिए वो श्वेत वर्ण में वो परिलक्षित होती है बाहर निकली। तो और सहज रहना सबसे बड़ी बात है जो मैं यहाँ से एक मंत्र लेके जा रहा हूँ कि आप कुछ भी हो, आप जीवन के किसी भी मकाम में हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, समय बदलते कुछ देर नहीं लगती। आप मंत्री हैं, संतरी होते टाइम नहीं लगता, और संतरी हैं तो मंत्री होते टाइम नहीं लगता, उसकी कृपा चाहिए। सही बात है, लेकिन उसके लिए गुण भी जरूरी है। सहजता, सफाई, ईमानदारी, सच्चाई जिसको आप कहते हैं, ये सारा। तो ये जो ये मंत्र जो मुझे देख करके महसूस हुआ, ये मुझे लगता है कि अगर ये मंत्र आदमी अपना ले, ये सुनने में शब्द लगते हैं लेकिन इसको अपना लिया जाए, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुश्किल होना बहुत सहज है, लेकिन सहज होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही बात। तो ये सहजता हासिल कर लेना, मुझे लगता है कि आपने जीवन की बांह पकड़ लिया। सही बात है, सही बात। चलिए बी शांतनु सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि ये गहराई जो है, जब व्यक्ति अंतकरण से कुछ सीखना चाहता है तब उस गहराई को पकड़ लेता है। आप उस गहराई के नींव को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसको स्पर्श कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आगे आप इन चीजों को अच्छी तरह से अपने जीवन में लाएं। और जैसे कि आपने कहा, मुश्किल और सहजता, जीवन में सहज होना बहुत जरूरी है, और वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोग आज के इस चकाचौंध में मंत्री संतरी के चक्कर में भूलते जा रहे हैं, और उसे पकड़ना जरूरी है। और उसके लिए ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थान है जो आपको वेलकम करता है और सहजता का जीवन देने का प्रयास कर रहा है, तो आप इसे ग्रहण कीजिए, अपना जीवन को अच्छा बनाइए। और जहां आपने सफेद रंग की बात कही, कहा जाता है कि सफेद रंग में सारे रंग आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर एक बार आपने सफेदी ओढ़ ली, स्वच्छता, शांति और प्रेम आपने ओढ़ लिया, तो बाकी सारे रंग, बाकी सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, एंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी यहाँ की। और फिल्मी दुनिया के जो हमारे श्रोता मित्र कभी वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं हमारे इस रेडियो को, और पूरी दुनिया भी सुन रही है, लेकिन ज्यादातर जो फ्री टू एयर जो सुन रहे हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया के बारे में उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है, तो अंदरी बात जो आपने कही वो उन्हें सुनकर अच्छा लग रहा होगा। और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से फिर से एक बार धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते, खबर गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे, आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर